अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज़ विद जिया सुहेब। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हम लोग नॉर्मली बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो हम लोगों का फोकस होता है कि हमें कढ़ाई मिल जाए, ढाबा स्टाइल कढ़ाई या हाईवे स्टाइल कढ़ाई मिल जाए हमें, जो कि हम लोग को घर में नहीं मिल पाती है, वो टेस्ट घर में नहीं आता। तो फिर आज के बाद आपकी टेंशन, आपकी परेशानी दूर होने वाली है, आपको वैसा ही टेस्ट बहुत कम अमाउंट में घर में मिलेगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। और जब भी आप ये ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो हम मटन यूज़ करेंगे वो है 750 ग्राम्स। अच्छी तरह धो के मैंने उसका पानी सुखा लिया है। और टमाटर मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं, जिसकी मैंने छिलके उतार के पील ऑफ करके उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। मसाले बहुत ही थोड़े डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून आप धड़ा मिर्च डालेंगे, कोटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसमें मैंने चॉप करके डालनी है हरी मिर्चें और स्लाइसेस में पतले पतले काट लेने हैं लहसुन। मैं आपको और क्लियरली इसको बता देती हूँ, और क्लियरली मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि मैंने लहसुन को बहुत ही बारीक पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है, जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहे हैं। इसी तरह बहुत छोटा छोटा मैंने बहुत बारीक करके हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। स्टार्ट करेंगे हम लोग कढ़ाई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कढ़ाई, मैं तो कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो देखिए में भी बना सकते हैं। 1/2 कप ऑयल लेंगे, उसमें चॉप हुई भी हरी मिर्चें और स्लाइसेस में जो मैंने लहसुन काट के रखा था उसको ऐड करेंगे। और आपने नॉर्मल मीडियम आंच में इसको फ्राई करना है 3-4 मिनट्स। 3-4 मिनट्स के लिए आप इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, बहुत अच्छा सा इसका एरोमा आने लग जाएगा, तो इसमें आप लोग मटन ऐड कर देंगे। मटन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने 750 ग्राम्स लिया है, तो सारी मेजरमेंट आप उसके हिसाब से ही यूज़ करेंगे। मटन को आपने हरी मिर्चों और लहसुन के साथ इतने अच्छे से फ्राई करना है कि कम्प्लीटली इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए, मटन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, आपको वीडियो में शो हो रहा है कि मटन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, गोश्त जब अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा उस टाइम पर आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ में जो आपने मसाले पाउडर वाले यूज़ करने हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसको कढ़ाई में ही बनाना था तो मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे होंगे तो आप 1 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उस हिसाब से आप प्रेशर लगा देंगे। मैंने कढ़ाई में बनाना था तो मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया और 2 ग्लास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की आँच में। मैंने इसको हल्की आँच में पकाया था, 40-45 मिनट्स लगे थे और मटन मेरा गल गया था। आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे, आपने इसको मटन गलने तक पकाना है। 45 मिनट्स के बाद आपके सामने मटन की लुक है। कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। गोश्त मैंने चेक किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका था। अब मैं इसको इतने अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी कि सारा पानी एवेपोरेट हो जाए और ऑयल सरफेस पे आ जाए। बस थोड़ी से टिप्स और थोड़ी से ट्रिक्स होती हैं खाना पकाने के टाइम पे। जब अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो खाना उतना ही अच्छा बनता है, कमर्शियल लेवल में जिस तरह का आपको टेस्ट मिलता है बिल्कुल वैसे ही आप घर में बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको बहुत मुश्किल पेश आए। एंड में गार्निशिंग के लिए मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया। और ये ऐड करने के बाद चूल्हे को बंद करके आपने ढाँक देनी है कढ़ाई। जब आप अपना सालन इसके बाद ढाँक देंगे तो बहुत ही अच्छा सा एरोमा आएगा, बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी कि पूरे घर में आप यकीन करें आपकी कढ़ाई की खुशबू होगी। इसके बाद अब अपनी कढ़ाई को डिश आउट करें और सबकी शाबाशी लें। ये आप यकीन करें इतनी आसान रेसिपी है, आप ट्राई करेंगे आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। ये इतने मज़े का बनता है और घर में आप बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। आप जब ये ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें। अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट के साथ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।